यूपी के सहारनपुर से दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। लखनौती गांव की घटना है। महिला कूड़ा डालने जा रही थी, तभी कुत्तों का झुंड उस पर झपट पड़ा। शोर सुनकर लोग भागे, लेकिन तब तक कुत्ते महिला को लहूलुहान कर चुके थे। अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। 55 साल की बाला देवी सफाई कर्मी थी। दरअसल इलाके में एक स्लॉटर हाउस है, जिसके कारण आवारा कुत्ते जमा रहते हैं। सहारनपुर हिंसा के मास्टरमाइंड चंद्रशेखर रावण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चंद्रशेखर को देर रात जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। भीम आर्मी के संस्थापक को कल हिमाचल के डलहौजी से गिरफ्तार किया गया था। 9 मई को सहारनपुर की हिंसा के बाद से चंद्रशेखर पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। सहारनपुर जेल में चंद्रशेखर की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आगरा में SC ST आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर कठेरिया के स्वागत की होड़ बीजेपी नेताओं के बीच मारपीट में बदल गई। एक दलित नेता को करीब 20 लोगों ने बुरी तरह पीटा और खींचते हुए सड़क पर ले गए। पिटाई करने वाले कठेरिया समर्थक बताए जा रहे हैं। घटना कठेरिया के घर के ठीक सामने की है। दलित नेता देवेंद्र धनगर ने स्वागत के लिए मंच बनाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कठेरिया ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा को राजनीति से जोड़ने की बजाय संस्कारों से जोड़ना चाहिए। योगी ने कानपुर में बच्चों के ग्रीष्मकालीन निशुल्क प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। शिविर में 3,200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे पहले समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कानपुर में योगी के पहुंचने का विरोध किया। योगी को काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। मथुरा में एक टेम्पो और मैजिक वैन की टक्कर में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करके टेम्पो से लौट रहे थे। ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार की वजह से मथुरा में पहले भी हादसे हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस पर भी टेम्पो ड्राइवरों से सांठगांठ करने और चालान न काटने के आरोप लगते रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद की ADM कोर्ट में अचानक अफरा तफरी मच गई, जब एक व्यक्ति ने कोर्ट में घुसकर लोगों पर हमला कर दिया। आरोपी दिमागी तौर पर बीमार बताया जा रहा है। उसने कोर्ट के दीवान पर हमला किया और रोकने आए होमगार्ड को जूते से घायल कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे काबू करने के बाद आरोपी के हाथ पैर बांध दिए और मेडिकल जांच कराने के बाद उसके परिवार के हवाले कर दिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पुलिस ने एक बुजुर्ग को उसके बेटे की कैद से छुड़ाया है। बलबीर सिंह को बेटे और पत्नी ने 4 दिन से घर में खटिया से बांध कर रखा था। 4 दिन से बुजुर्ग की पिटाई की जा रही थी। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस पहुंची और बुजुर्ग को छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। पिटाई से बलबीर सिंह के शरीर पर गंभीर चोटें थी, लेकिन इलाज तो दूर। बेटे ने 4 दिन से खाना भी नहीं दिया। बेटे का आरोप है कि पिता ने उस पर चाकू से हमला किया था, इसीलिए उसने ये सजा दी। पंजाब में कर्ज की वजह से 2 और किसानों ने खुदकुशी कर ली। फतेहगढ़ साहिब में लखवीर सिंह और जसपाल सिंह पर अलग अलग बैंकों का लाखों का कर्ज बकाया था। लखवीर सिंह को कोऑपरेटिव बैंक के 5 लाख रुपए चुकाने थे, जबकि जसपाल पर 15 लाख से ज्यादा का कर्ज था। परिवार वालों का कहना है कि बैंकों से हर दूसरे तीसरे रोज फोन आते थे, जिससे वो परेशान थे। अमृतसर के राजा सांसी में 2 गुटों के बीच गोलीबारी से सनसनी फैल गई। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों गुटों के बीच टकराव हुआ। दोनों ओर से फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान लिए हैं। हालांकि एक गुट का कहना है कि फायरिंग सिर्फ दूसरे पक्ष के लोगों ने की। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स विभाग ने एक विदेशी नागरिक को 415 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 6 लाख बताई गई है। नाइजीरिया का यह नागरिक दिल्ली के मटियाला इलाके में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने आया था। इसके एक साथी को सिरसा की पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी है। MP के शाजापुर में किसानों ने समर्थन मूल्य पर सरकारी प्याज खरीद का जमकर विरोध किया। किसानों ने SDM राजेश यादव को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे SDM का पैर फ्रैक्चर हो गया। किसानों ने मीडिया पर भी पथराव किया और एक मीडिया कर्मी का कैमरा तोड़ दिया। इसके अलावा ट्रक और बाइक में आग लगा दी। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है और वो बातचीत से हर समस्या का हल निकालने के लिए तैयार हैं। शिवराज ने अराजक तत्वों को हिंसा रोकने के लिए फिर सख्त चेतावनी दी और कहा कि जिन लोगों ने किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा और आगजनी की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ग्वालियर के मोती महल कोषागार से 80 लाख रुपए के जब्त जेवर के गायब होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर अमानत में खयानत का केस दर्ज कर लिया है। गायब हुए गहने लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान अलग अलग जगहों से बरामद किए गए थे। ग्वालियर की DRDE में चल रहे निर्माण काम में घोटाले का खुलासा हुआ है। विजिलेंस टीम ने जांच की तो पता चला कि फर्जी बिल लगाकर भुगतान किया गया है। मामले में सूबेदार रमेश को जिम्मेदार माना गया।
हालांकि अभी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पैसे लेकर सेना में भर्ती कराने के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत पुरी को कोर्ट ने 10 दिन के लिए राजस्थान एटीएस की रिमांड पर भेज दिया है। गिरोह के 4 सदस्यों को एटीएस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। सेना के मेडिकल कोर में तैनात जगजीत पुरी पर भर्ती के उम्मीदवारों को फिटनेस के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट दिलाने का आरोप है। राजस्थान के सीकर में एक ही समुदाय के 2 गुटों में झगड़े के बाद जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। दोनों तरफ से लाठियों व धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उदयपुर में एक मरीज के रिश्तेदारों के झगड़ा करने के बाद महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। अस्पताल में एक बच्चे को बेसुध हालत में लाया गया था। डॉक्टरों ने पूछताछ की तो उसके रिश्तेदारों ने इसी बात पर झगड़ा शुरू कर दिया और लेडी डॉक्टर को देख लेने की धमकी दी। इसी पर झगड़ा शुरू हुआ था। डॉक्टरों ने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जयपुर के नामी ज्वेलर विमल सुराणा ने अपनी पूर्व पत्नी और 2 बेटियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुराणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि उन्हें अपनी पूर्व पत्नी और बेटियों से जान का खतरा है। दोनों उनकी काफी संपत्ति हड़प चुकी हैं और बाकी भी हड़पना चाहती हैं। सुराणा ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपनी महिला मित्र के नाम कर रखा है जिसके साथ वो रह रहे हैं। जयपुर में रामगंज थाना पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सटोरिये भारत श्रीलंका के क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने 13 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब और 21 मोबाइल फोन समेत भारी मात्रा में अन्य सामान भी बरामद किया है। राजस्थान के झालावाड़ में एक बच्चे के लिए उसका खिलौना जान का खतरा बन गया। 10 साल के शिवराज के इस खिलौने की बैटरी में अचानक ब्लास्ट हो गया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को झालावाड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैटरी फटने की वजह पता नहीं लग सकी है।